बारगाह हज़रत अबूल अब्बास अलैहिस्सलाम आए हैं, तो किस सिलसिले में यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ कुछ पता चला है कि कुछ दुश्वारियाँ हो रही थी, सामान हटा नहीं रहे थे? आज हमारे दोपहर में ये इत्तला मिली है मुतवली की तरफ से कि यहाँ पे जो साबिका मुतवलिया के बहन वगैरह जो रिश्तेदार रहते थे पहले वैसे है, वो सामान थोड़ा बीच में आ रहा क्योंकि आज चांद रात है, कल से अलम मुबारक शुरू होने वाले हैं, वो हम उनकी इत्तला पर यहाँ आए। मैं था हमारे साथ, हमारे पुलिस के डिप्यूटेशन डीएसपी साहब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, अब बेजाज साहब और सारे स्टाफ आए और उनको ताकीद किए हटा लेने के लिए, और वो मान लिए कि थोड़ी देर में साफ कर लेंगे इंशाल्लाह। ये देखा गया कि यहाँ पर चूल्हा वगैरह लगा के पकवान किया जा रहा था, तो मुकम्मल सामान हट चुका है अभी या कुछ बाकी है? नहीं, हटा ले रहे हैं, हटा देंगे इंशाल्लाह, शाम तक हटा देंगे, वादा किया। बोर्ड कुछ उनको नोटिस वगैरह दे रहा है कि रिहाइश का जबकि ऊपर तामीर की गई है उसके बावजूद नीचे सामान रख के यहीं रह रहे हैं? नहीं, ऊपर कुछ दुश्वारियाँ हैं उसकी वजह से वो बताए कि हम लोग कुछ बनना बाकी है अभी, जो ज़रा मुश्किल हो रही बल्कि नीचे है सामान शिफ्ट नहीं शिफ्ट कर लेंगे अभी, उन्होंने कर लेते बताए अभी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कल अलम आज चांद रात है, कल हम लोग साफ़ सफाई कर रहे थे सहन की अंदर के जो हॉल की अलम जहाँ इस्ताद होते वहाँ पर लेफ्ट साइड पर मेरी मरहुमा मुतवलिया सैयदा तकिया मुस्वी के बहन और दो बहना, पूरा सामान किचन का सब एक साइड में था और शीट लगी हुई थी ग्रीन कलर की। मैंने बोला ये साफ़ सफाई करना है, जाले लेना है, नीचे से धोना है पूरा, क्योंकि अलम मुबारक का पूरा जो अंदर का जो आपको सहन है वो ज़ायरीन के लिए है पूरा। अलम उस्ताद हुए वैसे ज़ायरीन आते, बैठते, मलिस होते, मातम होते उधर, तो मैंने उनको बोला, रिक्वेस्ट करा, वो नहीं हटाए। मैं दोपहर में आज वक्फ बोर्ड को इतला किया, सीओ साहब को बताया, तो आज कुछ टीम आई थी, सुबान साहब आए थे, ख्वाजा मोहिद्दीन साहब आए थे, हमारे हमारे भाई गोल्डी भाई को भी बताया था मैं, गोल्डी भाई भी आए थे, तो ये पूरे टीम एमएलसी साहब रियाजुल हसन अफंदी साहब आए थे। तो मैं यही बस गुजारिश है कि आशूर खाने की अजमत बाकी रहना है, वहाँ पर जो साहब से रह रहे हैं वो सही नहीं है, ऊपर उनको बना के दिए सामान ऊपर ले गए, नीचे का सहन पूरा साफ सफाई करके छोड़ दिए, क्योंकि मुहर्रम में ज़ायरीन आते, उनकी सहूलत के लिए ये बताया। अब आज वक्फ बोर्ड की टीम आके आई है, रिपोर्ट सब उनको बताए हैं, सुबान साहब भी बोले हैं, तो अभी इंशाल्लाह वो शाम तक हटा लेंगे बोले इंशाल्लाह। देखिए आप, आज 29 ज़िलहिज्जा है और आज चांद दिखने के अभी इम्कान है। जी जी जी, तो आज रात की आपके पास अलम इस्ताद होंगे, तो अभी इतनी ताखिर के सबब अलम मुबारक की इस्तादगी में ताखिर नहीं होगी, ये सामान जी हाँ हट जाना चाहिए, क्योंकि वो उस्ताद मेरे को धोना है, साफ करना है, अभी आज समझा के गए हैं सब जने, क्योंकि अभी बस ऊपर शिफ्ट कर लेते बोले हैं।